ये देखिए सिग्नल चौक के चारों तरफ का माहौल। मुझे तो भाई साहब पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा क्राउड दिखाई दे रहे हैं। पहुँच रहे हैं लंगरुआ बाबा। पहले ये देखिए दोस्तों, अब दूसरा खप्पर पहुँच चुकी है यहाँ पे सिग्नल चौक में। ये जो तीसरा खप्पर आता है वो खतरनाक रहता है मार्च के समय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज है नवरात्रि का अष्टमी दिवस और अष्टमी के दिन निकलता है कवर्धा में खप्पर यात्रा दोनों नवरात्र में। सो मैं पहुंच चुका हूं धर्मधाम कवर्धा नगरी। समय हो चला है 11:03 और यहाँ पर क्राउड देखो। अभी मैं खड़ा हूँ बस स्टैंड में, देख सकते हैं मेरे पीछे बस स्टैंड है और अभी लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इधर सिग्नल चौक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ खप्पर निकलता है 12 बजे, अभी लगभग 1 घंटे का समय है। तो चलिए आगे चलता हूँ सिग्नल चौक के पास और आप लोगों को अभी फ़िलहाल कैसा माहौल है वो दिखाता हूँ, फिर आगे खप्पर निकलेगी वो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। ये देखिए सिग्नल चौक के चारों तरफ का माहौल और अभी पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था बना रही है। लगभग आधे घंटे में पूरा रास्ता क्लियर कर दिया जाएगा क्योंकि 11:07 हो चुके हैं, अभी 12 बजे खप्पर निकलेगी। तो अभी लगभग आधे घंटे में पूरी तैयारी कर दी जाएगी। ये देखिए अभी लगातार गाड़ी वगैरह चल रही है, उसको भी बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो बेरियल है वो पूरा लगा दिया जाएगा। तो चलिए अपन उस तरफ खड़े होते हैं, वहाँ पे खड़े होके आप लोगों को खप्पर दिखाऊंगा मैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी क्राउड हो चुका है और सभी को खप्पर निकलने का इंतज़ार है। तो यहाँ 3 खप्पर निकलती है चंडी माता मंदिर से, माँ परमेश्वरी मंदिर से और माता दंतेश्वरी मंदिर से। सो 3 खप्पर यहाँ पे निकलने वाला है। सो यहीं पे आगे सिग्नल चौक में अपन यहीं पे खड़े होके माता के दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगा। सो अभी फ़िलहाल 11:18 हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो चुका है चारों तरफ। आप लोग को चलिए सिग्नल चौक पर भी मैं अभी खड़े होकर दिखाता हूँ यहाँ का माहौल। मुझे तो भाई साहब पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा क्राउड दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं अभी सिग्नल चौक का माहौल, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। इधर देखो भाई साहब, पूरा दूर दूर तक, इधर भी देखो पूरा यहाँ पे खप्पर देखने जो यहाँ पे लोग आए हैं वही दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए 12:02 बाकी है और पूरे यहाँ पर सिग्नल चौक को देख सकते हैं खाली करवा दिया गया है और चारों तरफ पूरा डोर लगा हुआ है, बैरियर लगा हुआ है रास्तों में। और यहाँ पे देखो दोस्तों इतने सारे यहाँ पे पब्लिक है चारों तरफ। तो जो पहला खप्पर है वो आने ही वाला है क्योंकि 12 बजने ही वाले हैं। और ये देखिए पुलिस प्रशासन पूरा रास्ता क्लियर करवा रही है और ये देखो कहाँ बैठे हैं भाई साहब लोग देखने के लिए। ये देखिए दोस्तों पहला खप्पर आ चुका है यहाँ पर, ये उसके सामने फॉलो गाड़ी पहुंच चुकी है, देख रहा हूँ आपको। और भाई साहब पहला खप्पर पहुंचा यहाँ पे सिग्नल चौक में 12:36 में। ये भाई साहब ये पहुंच रहे हैं लंगरुआ बाबा। पहले यहाँ पे पहला खप्पर सिग्नल चौक से निकल चुकी है, वो इधर महामाया मंदिर की तरफ आगे बढ़ेगी। तो ये देखिए दोस्तों अब दूसरा खप्पर पहुँच चुकी है यहाँ पे सिग्नल चौक में। देखिए भाई साहब दूसरा खप्पर
खप्पर आने के बाद किस तरीके से माहौल बन जाता है। तो देखिए तीसरा खप्पर पहुंच चुका है सिग्नल चौक के पास। ये है तीसरा खप्पर माँ चंडी का। खप्पर आता है वो खतरनाक रहता है मां चंडी के तीसरा खप्पर भी यहाँ से जा चुका है महामाया मंदिर की तरफ। तो ये देखिए कितना ज़्यादा जन सैलाब भरा है कवर्धा में, धर्मनगरी कवर्धा में खप्पर यात्रा देखने के लिए। कुमार नवरात्र अष्टमी तिथि के दिन देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से था कुमार नवरात्र 2024 का खप्पर यात्रा कवर्धा का। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे लोग दूर दूर से खप्पर यात्रा कवर्धा का देखने आए थे। देख सकते हैं सब अपने अब घर की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको फिर से इसी तरीके के नए वीडियो के साथ।